Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss about the differential equations. हमने पहले पढ़ा था इसका order and degree. Now our topic is general and particular solution of the differential equation. Solution आपको यहां से पता ही है ना, solution का मतलब क्या होता है, what is meaning of solution. जैसे हमने 10th class में पढ़ा था ना, x square माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते. तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या रहता है, प्लस माइनस वन. और अगर यहाँ पे एक्स प्लस सेवन है इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेवन. एक्स माइनस सेवन इज इट्स सोल्यूशन एंड प्लस माइनस वन इज इट्स सोल्यूशन. तो ऐसे ही अब हमने क्या पढ़ना है, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाइड कर देगी. कौन सी वैल्यू, सुनो इधर. लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिख दी एक इक्वेशन, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. अब यहां पे वाई एक क्या होगा, फंक्शन होगा, वाई इज अ फंक्शन इन एक्स होगा. तो कौन सी ऐसी वैल्यू है वाई की, कौन सी ऐसी वैल्यू है वाई की जो इसको क्या करे, सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड कैसे, मतलब वाई की कौन सी वैल्यू यहां पे पुट करूं और उसका डेरिवेटिव करूं, डबल डेरिवेटिव, और उनको ऐड करके क्या आ जाए, जीरो. मतलब सिंपल सी बात है, वाई कौन सा ऐसा फंक्शन होगा, है ना, वाई ऐसा कौन सी, वाई की क्या वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड. अगर यहां पे वाई लिखोगी तो यहां पे उसका क्या लिखना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव. सो वो इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन. तो अब एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज मैंने एक यहां पे फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी, ये लिख दिया मैंने, सपोज ये लिख दिया है ना, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी. अब इसका डेरिवेटिव किया मैंने y डैश, मतलब dy वाई बाई डी एक्स, चाहे वाई डैश लिख दो एक ही बात है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए साइन का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है. उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ये लिख दिया. अब ये देखो, अगर मैं y को, y की वैल्यू ये लिख दू यहां पे a साइन x प्लस बी, और इसका डबल डेरिवेटिव ये लिख दे ये वाला, तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, y की ये वैल्यू a साइन x प्लस बी है और डबल डेरिवेटिव क्या है, माइनस a साइन x प्लस बी, ये और ये लो सेम हो गए ना ऑपोजिट साइन के साथ, यहां पे लिख देंगे तो इसको क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो इट मीन्स इट इज इट्स अ सोल्यूशन. तो ये इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा. तो इसका क्या बन जाएगा, ये सोल्यूशन बन गया. अब आप पूछोगे सर आपने यहां पे ये क्यों ले लिया. और एक और बात, यहां पे मैं बात करूंगा जनरल सोल्यूशन की. ये इसका जनरल सोल्यूशन है, दिस इज इट्स जनरल सोल्यूशन. कौन सा, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी. अब यहां पे ए बी क्या है, व्हाट आर हियर ए एंड बी, ए एंड बी यहां पे क्या है ना. तो आई वॉन्ट टू टेल यू ए एंड बी, ए एंड बी यहां पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है. क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. अब ये क्या होते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का मतलब, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है कि एनी कॉन्स्टेंट. अब ये एनी कॉन्स्टेंट क्या होता है, एनी कॉन्स्टेंट मतलब इसकी कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, ठीक है. जैसे हम ये करते हैं ना, कई बार देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये किसकी इक्वेशन होती है, हमने पढ़ा है ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज ओरिजिन. अब आर यहां पे क्या है, आर इज ऑल्सो हियर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. आर की कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है. एक्स और वाई तो क्या रहेंगे, वो एक ऐसे होता है ना, ये दीज आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, दीज आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आपने. अब कोई भी इक्वेशन लिखोगे वहां पे एक्स और वाई तो फिक्स रहेंगे, पक्का रहेंगे ना, कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वहां पे एक्स और वाई तो रहेंगे, लेकिन आर, आर की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं,
आर की कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आर क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे ए और बी भी क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट मतलब एनी कॉन्स्टेंट। अब जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात क्या है ना, तो देखो इधर मैंने यहां पे इसको ये लिख दिया वाई इज इक्वल टू 4 sin x + 3, ये लिख दिया आपने, है ना, दिस वी हैव रिटन। तो अब ये क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4 sin का क्या आ गया, cos x प्लस 3। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4 sin x + 3, ये हो जाएगा, दिस विल बी देयर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये क्या है, ये डबल सिंगल डेरिवेटिव था, ये क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, दिस इज डबल डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ अब अगर ये मैं लिखूं यहां पे y की वैल्यू ये लिख दू 4 sin x + 3 एंड डबल डेरिवेटिव ये लिख दू, तो ये भी इसका सोल्यूशन हुआ, दिस इज ऑल्सो इट्स अ सोल्यूशन, ये भी इसका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। इस सोल्यूशन को क्या कहोगे आप, पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब देखो जब a और b की ये क्या था इसका, ये था इसका जनरल सोल्यूशन, ये इसका क्या था, जनरल सोल्यूशन। अब देखो एक और सिंपल सी बात, यहां पे मैं 4 ना लिख के कुछ और लिख दूं, देखो एक तो ये इसका सोल्यूशन बन गया, अब मैं a को ये वैल्यू देता कुछ भी, मान लो 7 दे दी, यहां पे 2 लिख दिया, तब भी ये इसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। मतलब ये इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर, जब मैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हम कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई भी फिक्स वैल्यू आ जाए, तो उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। लेकिन जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हो तो वो क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालेंगे, है ना। तो अब ये देखो, अब आपको ये बताऊंगा कि यहां पे ए और बी मैंने दो ही क्यों लिया आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब देखो हमने पहले पढ़ा था इसमें क्या ऑर्डर पढ़ा था ना, ऑर्डर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2 है। अगर याद रखना, अगर इसमें ऑर्डर 2 है तो जो इसका सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, अगर इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 होंगे, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर यहां पे ऑर्डर 3 आ जाता है तो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे, ए बी और एक हो सकता है सी आ जाए, है। तो इसलिए मैंने यहां पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिए थे, ठीक है। तो अब ऑर्डर तो आपको पता ही है ना, ऑर्डर क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अगर याद रखना, अगर यहां पे 3 होता, ऑर्डर इसका 3 है, तो इसमें इसका जो सोल्यूशन होगा वाई की कोई वैल्यू जो होगी, जो फंक्शन होगा, उसमें कितने कांस्टेंट, और उसमें कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 3। अगर 4 है ऑर्डर तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, क्लियर। तो ये था हमारा जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके बाद ये आपको समझ आ गई ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब जब ए बी यहां पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उनको हम अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है तो उसका क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये था इसका जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब y की वो वैल्यू जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। अब अगर y की कोई वैल्यू आएगी तो यहां पे उसका डेरिवेटिव आएगा, अगर यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, ये देखो अब, कि द सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, द सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, और द सोल्यूशन विच डज नॉट हैव आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दैट आर कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशंस। तो ये था बस, इसमें इतनी हमने सीखना है जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं। और इसमें एक बात ये ध्यान रखना, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने होते हैं, जितना उसका ऑर्डर होता है। तो यही था इसमें, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये। आगे हम इसके सम करेंगे, वो 9.2 एक्सरसाइज में ही कर लेंगे, ठीक है। सो नोट इट डाउन।